संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसका सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। इस बीमारी में दिमाग का नियंत्रण अगर बिगड़ जाए तो फिर इंसान के लिए ये बेहद परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में जरूरत इस बात की बीमारी है जिसका सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। इस बीमारी में दिमाग का नियंत्रण अगर बिगड़ जाए तो फिर इंसान के लिए ये बेहद परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि किस तरह से हम इससे बचें। बहुत बार देखा गया है कि अधिक उत्साह से लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन तक इस बीमारी में महसूस होता है। तो क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर, क्या है इसके लक्षण और कैसे पाएं इससे छुटकारा, साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे देसी घी के ढेर सारे फायदे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। पल बदलता रहता है आपका मूड, क्या हर वक्त रहता है डिप्रेशन, क्या टेंशन से नहीं छूटता है आपका पीछा, या आप अचानक से बहुत खुश या फिर बहुत उदास हो जाते हैं। तो इसे मत कीजिए इग्नोर और अभी से हो जाइए अलर्ट, वरना आप भी हो सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जैक्टली में होता क्या है और इसमें रोगी बहुत ज्यादा खुश या फिर बहुत ज्यादा उदास क्यों महसूस करता है। डॉक्टर साहब इस बारे में बताइए कि आखिरकार ये है क्या और क्यों इतने चेंजेस आते हैं, इतना डिफरेंस क्यों आता है, या तो बहुत खुश या बहुत उदास। बेसिकली ये इसको कहते हैं मूड स्विंग डिसऑर्डर, या मूड जो है चेंज होता रहता है। ऐसे तो आमतौर पर सभी का मूड बदलता है, कभी हम लोग भी थोड़ी देर के लिए कुछ खुश हो जाते हैं, कभी हमें भी कुछ किसी प्रकार का गुस्सा आ जाता है, कभी कभार हम बहुत ज्यादा जो है हाइपर हो जाते हैं। लेकिन वो स्थिति को हम बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं कहते हैं। लेकिन जब एक स्थिति आपकी परमानेंटली बनी रहे, काफी लंबे समय तक वो स्थिर रहती है, तो तब उसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये बाइपोलर डिजीज है। और इसमें मुख्य रूप से दो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं। एक तो होती है कि वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है पेशेंट जो है, उसको मेनिया बोलते हैं, और दूसरी जो है एक्सट्रीम है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इस बीमारी को जो है बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आम तौर पर आपको किसी कारण से किसी सिचुएशन में आपको जो है कभी डिप्रेशन आ जाता है, और हो सकता है वो सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए उसके बाद आप बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसको बाइपोलर नहीं कहेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है कि कभी उसमें कुछ एक्सटर्नल उसका कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होता है, कोई ट्रिगर सिचुएशन भी नहीं होती है, लेकिन अचानक से जो है एकदम से आदमी बहुत मैनियक हो जाता है, बहुत मैनिया उसको हाइपर एक्टिविटी उसकी हो जाती है, और वो कुछ समय तक स्थिर चलती है, और उसके पश्चात विपरीत स्थिति उसकी दूसरी डिप्रेशन वाली स्थिति आती है, वो भी काफी समय तक लंबे समय तक चलती है। और इसमें कुछ ऐसा विजिबल नहीं होता है कि क्यों हो रहा है इसको, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यही डिजीज है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। आगरा से राहुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। सर जी, सर मेरा नाम राहुल है और मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। मेरे को जी बोली, पेशाब में बहुत जलन हुआ करती है और अच्छा। डॉक्टर से मैंने दिखाया तो वो उन्होंने बोला कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हाँ सर, उपाय बताए सर। उपाय इसका बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो गर्म चीज मत खाइए, कोई भी जलन वाली चीजें जो जलन करती हैं, गर्मी करती हैं। दूसरी चीज, पानी कम से कम 3 लीटर हर रोज पीजिए, 3 लीटर बिल्कुल नाप करके पीजिए। और इसके अलावा नारियल पानी अगर मिल जाए बहुत बढ़िया चीज है, उससे फर्क पड़ता है। और सबसे सिंपल चीज, आपके घर में धनिया होगा साबुत, उसको थोड़ा सा रगड़ लीजिए, कूट लीजिए, 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में रात को भिगोइए, सुबह उसको अच्छी तरह से मथ लीजिए और छान करके वो आप पी लीजिए, कपड़े में से छान लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और चाहे तो उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के पिए, वो बहुत अच्छी चीज है। तो ये आपके पेशाब के जलन को ठीक करेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो इन्फेक्शन हुआ है क्यों हुआ है। कई बार हम जो है हाइजेनिक कंडीशन नहीं होती, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, या कभी कभार जो है हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें
तो बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें यदि खाते हैं उससे भी हो जाती है। पानी कम पिए उससे भी कई लोगों को जलन हो जाती है पेशाब की। आज हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। डॉक्टर साहब ने हमें ये समझाया कि आखिरकार ये बीमारी होती क्या है। दो अलग अलग स्टेजेस बताए, एक होती है मेनिया, दूसरी होती है डिप्रेशन। इसके पीछे क्या वजह होती है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि कोई मुख्य कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है। आयुर्वेद में तो इसका कारण हम निकालते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में अक्सर वो जो है कहते हैं कि कारण नहीं है। कभी कहते हैं कोई हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है कि एक आपके परिवार में कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं। ब्रेन का डिसऑर्डर है, डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग, कि आपका ब्रेन कुछ बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, फिर थोड़ा सा जो एकदम लो हो जाता है। तो अगर हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो बड़ा सीधा सा हमें समझ में आता है। हमारे यहाँ पर सत्व, रज और तम तीन गुण मस्तिष्क के, यानी कि जो मस्तिष्क में काम करते हैं, और हमारे मन के तीन गुण है। तो उसमें हमने पहले भी इसका जिक्र कई बार किया है कि जब रजोगुण होगा, तो रजोगुण की अधिकता जब होगी तो रजोगुण आपको बहुत हाइपर कर देता है, बहुत एक्टिवेट कर देता है, बहुत स्टिमुलेट कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम को। तो वो हम कह सकते हैं वो मेनिया की स्टेज होगी, एक्सेसिव ऑफ रजस जो है। और जब तमोगुण होता है तो माइंड काफी लो हो जाता है, डल हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, बहुत स्लीपी, बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो वो आपकी डिप्रेशन वाली स्थिति आ गई। तो आयुर्वेद में इसकी जब हम जो है इस रोग का कारण कोशिश करते हैं पता लगाने की, तो हम यही देखते हैं कि ज्यादातर लोगों में जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा उनका खान पान, उनका लाइफस्टाइल में कोई ना कोई राजसिक तामसिक चीजें अवश्य उसकी हिस्ट्री मिलती है, और यही उसका कारण आयुर्वेद में माना जाता है। और चिकित्सा करते समय हम इस पर मुख्य रूप से बहुत फोकस करते हैं, ताकि उनके शरीर, उसके जो मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण को कम किया जाए और सत्व गुण को बढ़ाया जाए। तो चिकित्सा में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, और हमने देखा है कि उससे रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आते हैं। तो रिजल्ट्स जब आ जाते हैं, रोग जब ठीक होने लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को हम मानकर चले थे रजस और तमस को, तो वो सही है। हमने रजोगुण और तमोगुण को जब कम किया और सत्वगुण को बढ़ाया, तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, और रिलीफ मिलता है तो इससे ये सिद्ध होता है कि आयुर्वेद में जो हमारी मान्यता है, जो हम मानते हैं, वो बिल्कुल सही है। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार हम कैसे पहचाने कि हमें ये बीमारी हो चुकी है, यानी कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाए मूड स्विंग्स हर किसी के होते हैं, जैसे कि आपने कहा नॉर्मली तो चेंज होता ही रहता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें डिफरेंट होता है कि जब वो हाइपर स्टेज में होगा, मेनिया जिसको बोलते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी बात करेगा पेशेंट, और नींद उसको नहीं आएगी अच्छी तरह से, उसकी जो है टॉलरेंस पावर बड़ी कमजोर हो जाती है, और बहुत ज्यादा विचार तेजी से आते हैं उसके, और विचार भी बहुत तेजी से आते हैं, लेकिन साथ साथ विचार उसके स्थिर नहीं होते। एक विचार आएगा, फिर दूसरा विचार आएगा, फिर उसके बारे में सोचेगा, फिर तीसरा विचार आएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और देखने को मिलती है कि उसको ऐसा महसूस होने लगता है पेशेंट को कि मेरे अंदर ये जो कला है ये बहुत अच्छी कला है, मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मैं पूरे कंपनी को मैनेज कर सकता हूँ। या कभी उसके दिमाग में विचार आया कि मेरे अंदर फाइनेंशियल जो है बड़ी अच्छी स्किल्स हैं, तो मैं शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और वो करने लगते हैं ये समझ करके। उनको पूरा अपने ऊपर ये होता है कि ये मेरे अंदर जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है, और मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ, और मैं ये बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। इस तरह से भी उनके अंदर कभी कभार एग्रेसिव भी बहुत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है उनके अंदर। और जब वो विपरीत उनकी जब कंडीशन होगी, जो कि डिप्रेशन वाली है, उसमें बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि वो व्यक्ति जो है, जो आपको रोज फोन करता था जब वो मेनिया की स्टेज में था, अब लगेगा आपको दो तीन महीने से वो पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं गायब हो गया। वो चुपचाप रहते हैं, अपने में सिमट जाते हैं, नींद फिर उस समय जो ज्यादा आती है उनको, बातचीत नहीं करते हैं, और माइंड में जो है कुछ ना कुछ उनके नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, और फियर बहुत होता है, एंग्जाइटी होती है, कभी कभार जो है वो सुसाइडल थॉट्स भी उनके माइंड में आते हैं। डिप्रेशन के जो मेन लक्षण है, उनको अपने प्रति जो है ज्यादा वो नहीं है कि नहाना है या कुछ बाहर जाना है, सैर करनी है, तो वो कंडीशन टोटली डिफरेंट कंडीशन उनकी होती है। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से बचने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि बाइपोलर डिजीज जिसको होती है वो एक तरह से अपने आप में हेल्पलेस होता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ करके कर रहा है, उसके जो माइंड में जो चीजें आती है, कभी डिप्रेशन, कभी ये हाइपर स्टेज जो होती है, तो वो उसके प्रति थोड़ा सा जो हमें कोशिश करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्यार की जरूरत होती है, उसको थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चिकित्सा ही है, एक ऐसा नहीं कि चिकित्सा केवल दवाइयों से होती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो आपको कुछ टेबलेट देते हैं वो खाने के लिए, उनसे माइंड थोड़ा सा जो है रिलैक्स होता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि क्यों ना आप जो है कुछ नेचुरल चीजें ट्राई करें। अगर आपको रोग अभी डायग्नोस हुआ है तो आयुर्वेदिक चीजें बहुत अच्छी हैं। आप ब्राह्मी और शंख पुष्पी का चूर्ण आप बना लीजिए, वो एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करिए। माइंड का जो टेंशन है, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस जो है इसको ट्रिगर कर देती है उस कंडीशन को। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जो है डीप ब्रीदिंग करिए, शवासन करिए, बादाम 5-6 रात को भिगो दीजिए, सुबह उनको छिलका उतार के पीस करके दूध में उबाल लिए, और दूध में मिला करके उनको उबाल करके थोड़ा दालचीनी का पाउडर मिलाएं, शहद मिलाएं, उसको पी लीजिए, बहुत बढ़िया है। बादाम अच्छे हैं, अखरोट भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सिर में मालिश करिए, बहुत फायदा करती है। तलवों में मालिश करिए, नाक में देसी घी डालिए या बादाम का तेल डालिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद में आ जाइए आप, तो आप शिरोधारा पंचकर्म आपकी करेंगे। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास दुनिया भर से आते हैं बाइपोलर के, विदेशों से भी आते हैं, और उनका हम पंचकर्म ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में फिर आयुर्वेदिक औषधियां फिर उनको खिलाई जाती है। काफी समय उसमें चलता है ट्रीटमेंट, 6-8 महीने, 1 साल तक कई बार दवाइयां खानी पड़ती हैं, ताकि मस्तिष्क जो है उनका वो रिलैक्स रहे, उसमें नरिशमेंट आए। वो मस्तिष्क उनका कमजोर नहीं होना चाहिए। नर्वस सिस्टम अगर और वीक हो जाएगा तो फिर उनको बाहर निकलना मुश्किल है रोग से। उनको हमें एक तरह से शक्ति प्रदान करनी है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करना है, ताकि जो उनकी ब्रेन की फैकल्टीज हैं या बुद्धि जिसको कहें, मेधा शक्ति जो है वो पावरफुल हो। मेधा जब पावरफुल होती है, बुद्धि जब पावरफुल होती है, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेट कर लेती है कि देखिए ये जो माइंड मेरा इधर हाइपर हो रहा है इसको मैं रोकूं अभी, या इधर ये डाउन जा रहा है इसको मैं थोड़ा रोक लेता। अगर आपकी फैमिली में किसी मेंबर को ये प्रॉब्लम है बाइपोलर डिसऑर्डर, तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक फैमिली। फैमिली में अगर कोई भी मेंबर बीमार होता है तो फैमिली के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो किस तरह से पेश आए। देखिए, बहुत मैंने बहुत केसेस देखे हैं, कई लोग जो है ना वो बेचारा जो दुखी है पेशेंट, उससे दुखी हो जाते हैं, फिर परिवार वाले भी सभी दुखी हो जाते हैं, कई बार बड़ा इरिटेटेड हो जाते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ तक कई लोगों को मैंने होता है वो डिवोर्स तक कर देते हैं आपस में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में से अगर एक किसी को है, हस्बैंड को मान लो बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, कहती है कि क्या जिंदगी मेरी खराब हो गई, पूरा लाइफ में बर्बाद होगी। मैंने देखे ऐसे, विदेशों में बहुत केसेस देखे ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, बीमारी किसी को भी हो सकती है, हम में से किसी को भी रोग आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन रोगी को जो है उनको हमें रोगी को नफरत नहीं करनी चाहिए, उससे उसका रोग और बिगड़ेगा। खासतौर से जो माइंड से संबंधित कोई भी रोग है, तो उसको थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। छोटा बच्चा होता है, जैसे कई बार छोटा बच्चा भी तो कभी गुस्सा कर देता है आपके, वो एक चपत भी लगा देता है, आप कभी बहुत रूठ के बैठ जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको हम जो छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही रोगी होते हैं, उनका माइंड उतना काम नहीं कर रहा है, बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही है, तो एक तरह से बच्चे जैसे ही हैं, तो थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको थोड़ा सा जो है सपोर्ट देना चाहिए, कहीं कहना चाहिए चिंता नहीं करिए, हम साथ हैं आपके, चलिए बताइए, या उनको जो कुछ और एक्टिविटीज करानी है, मालिश करनी है, उनको सैर करानी है कुछ, तो उनके साथ करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा।